कुलदीप जी, भाई साहब, राम राम जी। राम राम जी। जय गो माता। जय गोपाल जी। आज की वीडियो में कितनी गायें कवर करेंगे जी भाई साहब? आज 9 गायें हैं जी। 9 गायें हैं। हाँ जी। गायों की संख्या बढ़ी है जी इस बार। हाँ जी। और गायों की देखते हैं क्वालिटी कैसी रहेगी जी। और आप प्राइस कैसी डिमांड करोगे? दर्शक काफी वीडियो का इंतजार करते हैं जी आपका जी। आज लगभग 3-4 वीडियो कवर किए हमने आपके यहाँ से। हाँ जी। तो दर्शकों के मुझे कमेंट भी मिलते हैं जी, और वो कहते हैं जी कुलदीप जी, भाई साहब की अगली वीडियो कब आएगी जी। तो इंतजार खत्म हो रहा है जी, और अच्छी गायें देखने में आ रही है। हाँ जी। कंप्लीट डिटेल लेंगे जी आपसे जी। एक एक करके गाय दिखाइएगा जी। हाँ, साथ जी। में प्राइस की एक रेंज भी बता दो जी, आज क्या कीमत से शुरू हो जाएंगी गाय? आज जी 30,000 रुपए से लेकर के 55,000 रुपए की रेंज है। 55,000 तक। हाँ जी। मीडियम प्राइस रेंज की गायें आप सिलेक्ट करते हो? हाँ जी। इसीलिए कमेंट मिलते हैं जी। हाँ जी। हाई प्राइस रेंज में तो जी कोई मुश्किल से डिमांड करता है। हाँ जी। ठीक है जी। सबसे पहले भाई साहब आपका अपना यहाँ का एड्रेस शेयर कर दो जी। जी, गांव अपना 7 SGM, तहसील सूरतगढ़, जिला श्री गंगानगर जी। ठीक है। मोबाइल नंबर क्या है जी? मोबाइल नंबर 94-610-75098। ठीक है। ये मोबाइल नंबर मैं स्क्रीन पर दे रहा हूँ, आप व्यूअर्स इन नंबरों पर संपर्क करके भाई साहब की इन सभी गायों के बारे में डिटेल ले सकते हैं जी। 9 गायें दिखाएंगे आज। हाँ जी। 9 की 9 के बारे में डिटेल लेंगे। हाँ जी। सबसे पहले जो एक नंबर पर गाय है जी। हाँ जी। इसी की डिटेल दे दो जी। ये रेड सिंधी नस्ल की गाय है जी। रेड सिंधी। हाँ जी। ब्याई हुई है? ब्याई हुई है जी। कितने दिन की ब्याई होगी भाई साहब? ये ब्याई होगी जी 7 दिन की। 7 दिन की। हाँ जी। और अगर यही बच्चा है तो जी देख पा रहा हूँ बछड़ी है। हाँ जी, ये बछड़ी है जी। बछड़ी है, फीमेल का। हाँ जी। ठीक है जी, कंप्लीट डिटेल लेंगे जी। सबसे पहले दूध देने की क्षमता शेयर कर दो जी। दूध इसके जी अभी 16 किलो तैयार है जी। हाँ। 7 दिन की ब्याई जी। 7 दिन की ब्याई हुई है। हाँ जी। और 16 किलो दूध रेडी है? रेडी, अपने लीटर मार के देंगे जी। थन काफी खूबसूरत है जी, अडर जैसा देख पा रहे हैं, थनों के बीच गैप भी काफी शानदार है। शानदार है, कंप्लीट डिटेल दीजिए। दूध कितना रेडी बताया है? अभी 16 किलो रेडी है जी। 16 किलो रेडी है। हाँ जी। कोई मिल्किंग देखना चाहिए दिखा दो? बिल्कुल जी, 2-3 टाइम अपने उसको वीडियो कॉल पे या खुद आकर के देखे तो दिखा सकते हैं। तो दिखा सकते हैं। हाँ जी। गाय की क्वालिटी देख सकते हैं और साथ ही अडर क्वालिटी भी मेजर करके दिखा रहे हैं। हाँ जी। अडर क्वालिटी भी आप देख सकते हैं, बड़ा अडर है। हाँ जी। कितना टाइम हुआ है बताया जी? 7 दिन हो गए जी। 7 दिन। हाँ जी। और दूध कितना रेडी? 16 किलो रेडी है जी। 16 किलो रेडी है। हाँ जी। तो 7 दिन की ब्याई भी 16 किलो दूध तैयार है। हाँ जी। और तैयार दूध की मिल्किंग देख सकते हैं। हाँ जी। ठीक है जी, अडर बहुत ही प्यारा है, गाय भी अच्छे स्वभाव की है, ठंडे सील स्वभाव में है। अडर की क्वालिटी भी देख सकते हैं और साथ में स्वभाव की भी टेस्टिंग भाई साहब करके दिखा रहे हैं। हाँ जी। कीमत क्या रखोगी जी भाई साहब इसकी? इसकी कीमत 55,000 रुपये जी। 55,000 रुपये। हाँ जी। 16 किलो दूध तैयार है, कीमत 55,000 रुपये है। हाँ जी। और बाकी गाय आपके सामने है। हाँ जी। दूसरे वाली गाय देख लेते हैं जी। हाँ जी। ये गाय 2 नंबर पर, इसकी भी कंप्लीट डिटेल दे दो जी। इसके नीचे फीमेल काफ है जी, बछड़ी। हाँ जी। तो आपकी शुरुआत वाली दोनों ही गायों के साथ बछड़ियाँ हैं। हाँ जी। ठीक है, ये कितने दिन की ब्याई होगी जी? ये ब्याई होगी जी आज लगभग 10 दिन की जी। 10 दिन की ब्याई हुई है। हाँ जी। फीमेल का बहुत खूबसूरत है जी। हाँ जी, बहुत शानदार है जी इसकी। शानदार है। हाँ जी। ठीक है, कंप्लीट डिटेल दे दो जी। ये 10-11 दिन की ब्याई होगी जी लगभग। लगभग 10-11 दिन की ब्याई हुई है अभी। हाँ जी। और साथ में बछड़ी है। बछड़ी नीचे जी। तो बछड़ी तो गिफ्ट जैसी है। हाँ जी। क्योंकि गिफ्ट क्या है, ज्यादा पसंद आता है जी। जो ये अभी बछड़ी देख रहे हैं ये गिफ्ट जैसी, इसलिए कह रहा हूँ जी, क्योंकि नस्ल की शुद्धता इसके अंदर काफी शानदार है। बहुत है जी। गलकम्बल बहुत ही खूबसूरत है इसका। हाँ जी। बाहरी गलकम्बल है। हाँ जी। गाय का दूध अभी कितना रेडी है जी? गाय का दूध रेडी अभी 11 किलो है जी। पहला ब्यांत है जी। पहला ही ब्यांत है? हाँ जी। पहले ब्यांत में बछड़ी वाली गाय और 11 किलो दूध तैयार वाली। हाँ जी। शानदार जी, बछड़ी से नजरें नहीं हट रही है, जैसी गाय है उससे भी ज्यादा खूबसूरत बछड़ी है। हाँ जी। क्वालिटी में जबरदस्त है। हाँ जी। दूध 11 लीटर तैयार है। तैयार है जी। ठीक है जी, इतना ही दूध रखेगी या कुछ और भी उम्मीद करें? देखो जी, हम तो कह रहे हैं जी परवरिश अच्छी होगी तो 1-2 किलो बढ़ा सकती है। बढ़ा भी सकती है। बाकी 11 किलो रेडी है जी। नहीं तो 11 किलो पर आधार मान के लें तो ये गाय ली जा सकती है। हाँ जी। ठीक है जी, कीमत आप इसके लिए क्या डिमांड करोगे जी? 30,000 रुपये जी। 30,000। हाँ जी। 30,000 रुपीज। हाँ जी। शानदार जी, 30,000 रुपये भाई साहब ने प्राइस डिमांड किए हैं और गाय देख सकते हैं शानदार क्वालिटी में है। 3 नंबर पर गाय है जी। हाँ जी। सफ़ेद रंग में। हाँ जी। नस्ल जी भाई साहब? थार पारकर है जी ये। थार पारकर। हाँ जी। ये कौन से ब्यांत की है जी? ये दूसरे ब्यांत की है जी। हाँ। 8 महीने की प्रेग्नेंट है जी। 8 महीने की प्रेग्नेंट है। हाँ जी। प्रेग्नेंसी कोई भी वाई टेस्ट करवा सकता है जी। पिछले ब्यांत की दूध क्षमता बताओगे जी? लगभग 13-14 किलो था जी। 13-14 किलो पिछले ब्यांत का दूध रहा है। हाँ जी। और इस बार क्या उम्मीद करें जी?
इस बार जी 1-2 किलो बढ़ सकती है, 1-2 किलो और भी बढ़ सकती है जी। बाकी अपने तो यही कहेंगे जी 14 किलो मान के ले जी। कद वजन में अच्छी है, हाइट शानदार है। हाँ जी हाइट शानदार है, गलकंबल भी भारी है, छोटे सींग है, हाइट काफी अच्छी है, साथ में स्वभाव भी टेस्ट कर दिखा रहे हैं भाई साहब। हाँ जी कितने दूध तक बताइए जी क्षमता? 14 किलो 13-14 किलो पिछली बार में दिया हुआ है जी। हाँ अब की बार देखो जी 1-2 किलो बढ़ सकता है, बाकी अपने 14 किलो पे देंगे जी। आप 13-14 किलो के आधार पे दोगे। हाँ जी क्या कीमत रखोगे इसकी? इसकी जी 33,000 रुपए कीमत है। 33,000 रुपीज। हाँ जी 13-14 किलो दूध देने की क्षमता और 33,000 रुपए कीमत, स्वभाव आपके सामने। हाँ जी इस बार जी सभी गायें बेचनी है जी। हाँ मंदिर पे जाना है जी रामदेवरा। अच्छा रामदेवरा पर जाना है। हाँ जी तो सभी गायें देनी है जी। हाँ और बिल्कुल रीजनेबल प्राइस करना है जी। रीजनेबल प्राइस रखना है। हाँ जी कि हर भाई को गाय मिले जी। रामा पीर रुनेचा। हाँ जी तो वहाँ जाने की इच्छा रखी है। हाँ जी वहाँ जाने की इच्छा है जी। शानदार जी, तो गायें आप जल्दी बेचना चाहते हो? बिल्कुल जी। तो ये मुनाफे में दे रहे हो या जी? देखो जी मुनाफा जरूर ले रहे हैं। हाँ पर रीजनेबल ले रहे हैं, जैसे आई है 1-2 हजार का जो भी मुनाफा बनता है वो ले रहे हैं जी। देनी है जी, देनी है जल्दी। ठीक है जी, तीन गायें दिखा दी है जी। हाँ जी और ये 4 नंबर पर गाय है, इसकी और नस्ल शेयर कर दो जी। ये तो जी हमारी, वो कहते हैं जी जिसके हम प्रेमी हो चुके हैं, ऐसी गाय है जी। हाँ ऐसी गाय है जी, शानदार जी। ये भी श्यामा गाय है, श्यामा गाय। हाँ जी आंचल इसका बहुत ही खूबसूरत है जी, गुलाबी। हाँ जी गुलाबी आंचल है। हाँ जी ठीक है, कंप्लीट डिटेल दे दो जी इस गाय की भी। ये दूसरी बार बच्चा देने वाली है जी। 15 दिन बाकी है जी। 15 दिन बाकी है। हाँ जी ब्याने में अभी 15 दिन ले जाएगी दूसरा ब्यांत है। हाँ जी दूध क्षमता क्या रहेगी जी? लगभग जी 16-17 किलो रहेगी जी। 16-17 किलो। हाँ जी 16-17 किलो दूध देने की क्षमता इस गाय की है। हाँ जी 16 लीटर के आसपास दूध क्षमता रहेगी जी। हाँ जी ठीक है, और पिछले ब्यांत में कितना दूध रहा है? 14 किलो दिया हुआ है जी। 14 किलो। हाँ जी इस बार 16-17। हाँ जी ठीक है जी भाई साहब, शानदार है गाय, अच्छी कदकाठी में है, और कीमत भी जान लेते हैं, प्राइस क्या रखोगे जी? 38,000 रुपये जी। 38,000 रुपये। हाँ जी 38,000 रुपीज। हाँ जी ठीक है जी भाई साहब, 9 गायें जी भाई साहब ये 5वें नंबर पर। हाँ जी इसकी और डिटेल शेयर कर दो जी। ये साहिवाल नस्ल की गायें हैं जी। साहिवाल। हाँ जी स्वभाव तो भाई साहब टेस्ट करके दिखा रहे हैं। बिल्कुल बाकी डिटेल आप दे दो जी। ये जी दूसरे ब्यांत में बच्चा देगी जी। और ऑर्डर बनाना स्टार्ट कर दिया है। 20 दिन ड्यू है जी। 20 दिन। हाँ जी तो 20 दिन और ले जाएगी। हाँ जी देखने से लग रहा है जी 10 दिन या 2 हफ्ते के अंदर अंदर ही ब्याह जानी चाहिए जी। जैसा अभी ऑर्डर तैयार हो रहा है। हाँ जी ऑर्डर अच्छा खुल रहा है जी। हाँ जी ऑर्डर अच्छा खुल रहा है, ठंड बहुत शानदार है जी। शानदार ठंड है। हाँ जी ठीक, कितने दूध क्षमता की जी? दूध क्षमता जी इसकी जी आपको बताएंगे तो यकीन नहीं होगा जी। हाँ बाकी जो भाई लेगा हाँ। वो निकालेगा उस दिन यकीन होगा जी, उसी टाइम यकीन होगा जी। 18 किलो इसकी मिल्किंग आएगी जी दूसरे। 18 किलो। हाँ जी 18 किलो मतलब 9 किलो एक टाइम का दूध देने की क्षमता है। पहले ब्यांत में 17 किलो दूध दिया हुआ है जी। हाँ और इसमें सीमन लगा हुआ है जी अभी। अच्छा SAG का एक बुल है जी, साहिवाल का ही सीमन है। हाँ जी साहिवाल का ही जी, सीमन भी साहिवाल का ही। हाँ जी ठीक है, और कीमत आप क्या रखोगी जी? कीमत इसकी 42,000 रुपये जी। 42,000। हाँ जी 42,000 रुपीज। हाँ जी आपकी कीमतें रीजनेबल वाजिब रहती है जी। हाँ जी इसीलिए दर्शक बार बार कमेंट करते हैं। आप व्यूअर्स कमेंट करके जरूर से बताइएगा आपको इन गायों में से कौन से वाली गाय की कीमत ज़्यादा वाजिब लगी। वैसे तो सभी गायों की वाजिब वाजिब कीमत रखी है। हाँ जी ये गायें दिखाई अभी तक, इससे पहले 4 गायें कवर कर चुका हूँ, 4ों गायें बेहतरीन है। शुरुआत वाली 2 बछड़ी वाली है, उसके बाद ये 2 जो दिखाई है वो प्रेग्नेंट है, और ये वाली भी 5वें नंबर पर जो गाय है ये भी प्रेग्नेंट है। थोड़ा ही टाइम बचा हुआ है, 2 हफ्ते के आसपास लेने चाहिए जी। हाँ जी कीमत आपने रीजनेबल बताई है। हाँ जी अगली गाय और देखते हैं। हाँ जी कुलदीप जी भाई साहब इस थार पार्कर की और डिटेल दे दो जी। ये जी दूसरे ब्यांत में ब्याई हुई है जी। हाँ और 3-4 दिन की ब्याई होगी जी। अच्छा नीचे बछड़ा है जी। बछड़ा मेल काफ आया है। हाँ जी ठीक है जी। खीस कितना? खीस अभी इसके नीचे लगभग जी 11-12 किलो खीस है जी। 11-12 किलो खीस। हाँ है जी। और दूध कितना बना सकती है जी? देखो जी 14-15 किलो दूध बनाएगी जी आराम से। पिछले ब्यांत में कितना रहा हुआ है? पिछले ब्यांत में जी 12 किलो दूध रहा हुआ है। 12 किलो रहा हुआ है। हाँ जी तो लगभग यही 12-13-14 के आसपास की दूध क्षमता। हाँ जी इससे उम्मीद कर सकते नॉर्मल जी इतनी की रहती है जी। हाँ बाकी कोई सी गाय होती है जी 17-18 लीटर क्रॉस करती है। हर ब्यांत में 2 लीटर बढ़ाना मुश्किल रहता है जी। हर ब्यांत में 2 लीटर बढ़े तो जी 3 ब्यांत बाद 6 लीटर दूध बढ़ जाता है। शुरुआत में 12 रहे तो 18 तक चली जाती है। हाँ जी 18 तक सारी गायें मुश्किल से जाती है। ये 14-15 तक अटक के रह जाती है। ये नॉर्मल दूध क्षमता है। बिल्कुल 14-15 लीटर के हिसाब से ही गाय खरीदनी चाहिए। बिल्कुल जी मन में यही विचार रखें
कि मेरे को 12 से 14 लीटर तक अपने की क्षमता मिल जाए। 12 से 14 की बात बताएंगे जी, 12-14 की रेंज चाहिए। हां जी, ये रेंज यही रहनी चाहिए। हां जी, अगर आप 15 लीटर दूध देने की क्षमता वाली भी गाय खरीद रहे हैं तो आपके मन में संतुष्टि 12 लीटर की रहनी चाहिए। हां जी, आप आधार 12 लीटर को मान के देसी गाय खरीदें। बस, ये 20 लीटर को आधार मान के गाय खरीदेंगे तो गाय नहीं धोखा मिलेगा। धोखा मिलेगा, तो 20 लीटर बहुत ही रेयर गाय में आता है जी। बिल्कुल जी, और उसके लिए तो 4 टाइम 5 टाइम 6 टाइम की मिल्किंग करके देखनी चाहिए। 20 लीटर वाली गाय की तो इस गाय की कीमत और शेयर कर दो जी भाई साहब। 34,000 रुपए कीमत रखी है जी इसकी। तो ये 12-13 लीटर के हिसाब की कीमत है जी। हाँ जी, लगभग 12-13 लीटर दूध देने की क्षमता वाली गायों की यही 30,000 से 40,000 रुपए की रेंज रहती है। बस यही रख रहे हैं जी। हाँ। अपने को तो जी मेन बात आपको बताई थी। हाँ। बेचनी है जी, रामदेवरा जाना है, जल्दी जाना है। हाँ जी, बेचनी है जी। ठीक है, ये 7 नंबर पर जी फिर से थार पार्कर। हाँ जी, थार पार्कर के गढ़ में आए हुए हैं तो ये तो थार पार्कर ज्यादा मिलनी। हाँ जी, संकेत है जी कि हम सूरतगढ़ में ही पहुंचे हुए हैं। हाँ जी, हाँ जी, क्या डिटेल है वैसे इस गाय की? ये दूसरे ब्यांत में अभी ब्याने वाली है जी, प्रेग्नेंट है। हाँ जी, आज ज्यादा गाय प्रेग्नेंट है। हाँ जी, ठीक है जी, क्या डिटेल है इसकी? और ये अभी लगभग जी 20 दिन ले जाएगी। 20 दिन और ले जाएगी। हाँ जी, 2 हफ्ते 3 हफ्ते। हाँ, गाय देखिए स्वभाव भाई साहब, टेस्ट करके दिखाते हैं। हाँ जी, गायों का स्वभाव टेस्ट करके दिखाते हैं। गाय इसी तरीके की होनी चाहिए। ये जैसे पैर उठा रखा है, ये पैर तो रखना ही नहीं चाहिए जी, और रखे तो जमीन पर ही। हाँ जी, बाल्टी के अंदर नहीं रखते गाय, बाल्टी के अंदर नहीं रखनी चाहिए। गाय की खूबसूरती भी लाजवाब है और स्वभाव की खूबसूरती तो आपके सामने है। हाँ जी, गाय ने अभी तक पैर नहीं रखा है जी। हाँ जी, 2-3 मिनट से मैं बात कर रहा हूँ इसी गाय के बारे में और गाय पैर को एक ऊपर उठाए हुए खड़ी है। हाँ जी, तीन पैरों पर। हाँ जी, गाय तीन पैरों पर खड़ी हुई है। हाँ जी, रखने दीजिए जी भाई साहब पैर, सोचेंगे जी ये पैर से कहीं लंगड़ी तो नहीं है। ठीक है जी, देख सकते हैं व्यूअर्स गाय कैसे ठंडे स्वभाव की है। और गोप्रेम भी इसी को कहते हैं जी, जैसे ये गायों पर इतना विश्वास दिखा रहे हैं। हाँ जी, ये विश्वास भी दिखाना पड़ेगा जी, जी, जी। नहीं तो हर गाय लात मार सकती जी। है, कोई भी गाय लात मार सकती है सीधे। हाँ, से सीधे भी अगर वो आपसे भय खाती है तो। हाँ जी, अगर आप उससे प्रेम करोगे तो क्यों मारेगी? नहीं जी, यही बात है ना जी, उसके साथ में प्रेम करना पड़ता है जी। हाँ, एक बात और कहना चाहूंगा जयपाल जी, कई कस्टमर गाय लेके जाते हैं, कस्टमर गाय लेके जाता है, शाम को यहाँ से लोड करते हैं, सुबह उसके घर पहुँचती है। अब वो सुबह ही क्या दूध निकालते हैं, बाल्टी लेके बैठ जाते हैं। बिल्कुल, बाल्टी लेके बैठो। हाँ, सीधी गाय भेजता हूँ तो। हाँ, कोई बात नहीं, बाल्टी लेके बैठो। अब वो क्या पूरी रात सफर में जाती है तो थोड़ा सा दूध कम देती है। हाँ, तो कस्टमर का कॉल आता है, भाई साहब इसने दूध नहीं दिया। हाँ, तो सभी जो देखने वाले दर्शक हैं उनसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, जो किसान भाई पशु प्रेमी मेरे से गाय लेता है उससे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई गाय पूरी रात सफर में आई है तो खड़ी खड़ी आई है, आपने गाय ली है मशीन नहीं ली। हाँ, उसने ना जुगाड़ी की है ना, वो एकदम टाइट बांध के ले जानी पड़ती है क्योंकि। हाँ, खुला नहीं जा सकता जी। हाँ, हाँ, तो अगला कहता है जी दूध नहीं दिया। मैं कहता हूँ जी आप 8 घंटे का सफर कर लो, आपसे घर पे बैठा नहीं जाएगा। और वो तो गाय है, आप उसके नीचे बाल्टी लेके बैठ रहे हो, लात नहीं मारनी चाहिए। मेरी बात ये है जी, दूध 2 किलो 5 किलो जितना भी दिया आराम से दे दिया, वो अच्छी बात है। दूध 2 या 4 दिन आपके घर खाएगी तब बनाएगी, तब बनाएगी सही। हाँ जी, ठीक है जी। कितनी दूध क्षमता तक चली जाएगी जी ये जी? लगभग लगभग 14-15 किलो, लगभग लगभग यही 13-14 जो अपने अभी बात कर रहे थे। हाँ, वहाँ तक रहनी चाहिए। हाँ जी, क्या कीमत रहेगी जी इसकी? 45,000 रुपये कीमत, 45,000 रुपीज़। हाँ जी, ठीक है जी भाई साहब। तो ये गदरी राठी आ गई जी दोनों। हाँ जी, कंप्लीट डिटेल दे दीजिए इसकी भी। हाँ जी, ब्याई भी है? हाँ जी, ये ब्याई हुई है जी। ये कितने टाइम की ब्याई होगी जी? ये आज हो गई जी, 6-7 दिन की ब्याई होगी जी। गदरी राठी है, 6-7 दिन की ब्याई हुई है। हाँ जी, और काफ क्या है भाई साहब? ये इसके नीचे मेल काफ है जी, मेल काफ बछड़ा है। हाँ जी, ठीक है जी। और अभी दूध कितना रेडी है इस गाय का? इसके नीचे जी अभी 11-12 किलो रेडी है जी। 11-12 किलो। हाँ जी, ब्याई भी है, 11-12 किलो दूध तैयार है। हाँ जी, कहाँ तक दूध क्षमता रह जाएगी जी? 1-2 किलो और बढ़ा सकती है जी, और ना भी बढ़ाए तो अपने किसी के साथ कोई गारंटी नहीं करेंगे जी। हाँ, कि बढ़ाएगी। 11-12 की उम्मीद करके लेके जाए, 12 किलो की उम्मीद करके ले जाए जी, कोई दिक्कत नहीं है जी। हाँ जी, 11-12 किलो तक दूध देने की क्षमता है जी इस गाय की। ठीक है जी, परवरिश करेगा किसान लेके जाएगा तो दूध देगी जी। हाँ, अच्छी परवरिश रहनी चाहिए, खान पान अच्छा रहना चाहिए, व्यवस्था रुकने की रहने की इसकी, बैठने की हाँ जी प्रॉपर रहेगी तो दूध देने की क्षमता बनाए रखेगी। बिल्कुल जी, नहीं तो जी घटा भी जाती है। बिल्कुल जी, घटा भी जाती है, सजीव पशु है। हाँ जी, मशीन नहीं है। हाँ जी, ये फिक्स एवरेज 85 की बताई, 85 की देती रहेगी, उसको भी तरीके से चलाना पड़ता है जी। तो इसको भी उसी तरीके से मेंटेन करना पड़ेगा जी, जी। इसका क्या कीमत रहेगी जी? इसकी कीमत 38,000 रुपए। 38,000 रुपए, 38,000 रुपीज। हाँ जी, एक गाय और है जी गदरी। हाँ जी, इसकी भी डिटेल शेयर कर दो जी। ये तो वही है जी जिसको लोग चोलिस्तानी बोलते हैं जी। चोलिस्तानी बोलते हैं गदरी राठी, चोलिस्तानी राठी। हाँ जी,
कंप्लीट डिटेल इसकी भी शेयर कर दो जी। ये प्रेग्नेंट है जी अभी। हाँ, और लगभग लगभग ये 10 दिन ले जाएगी जी। 10 दिन और ब्याने में ले जाएगी। हाँ जी, अभी प्रेग्नेंट है। हाँ जी, 10 दिन और ले जाएगी। पिछले ब्यांत की दूध क्षमता बता दो जी। यही 12 किलो, 10-11-12 किलो यही रही है जी। हाँ, 10-12 किलो दूध देने की क्षमता रही हुई है। हाँ जी, ठीक है जी। और इस बार भी यही लगभग यही रहेगी। यही जी, 13-14 किलो उम्मीद है जी। हाँ हाँ जी, पिछले ब्यांत वाले को आधार मान ले, पिछले ब्यांत में जितना दूध दिया है उसको आधार मान के गाय ले सकते हैं। कीमत क्या रखोगी जी वैसे इस गाय की? इसकी कीमत जी अपने 41,000 रुपए रखेंगे। 41,000? हाँ जी, 41,000 रुपीज। हाँ जी, शानदार नौ गायें देखने में आई है जी। हाँ जी, उम्मीद करता हूँ दर्शकों को नौ की नौ पसंद आई होगी जी। पसंद है तो व्यूअर्स वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्त मित्रों रिश्तेदारों के साथ इन वीडियोज को शेयर जरूर से करें। आपने यहाँ तक वीडियो देखा इसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। साथ ही साथ कुलदीप जी भाई साहब का भी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी, शानदार गायें दिखाई है। हाँ जी, और आज जल्दबाजी में हो। हाँ जी, आज जल्दबाजी में हो। हाँ जी, जल्दी जाना चाहते हो। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है जी। उम्मीद करेंगे दर्शक आपकी सारी गायें एक ही साथ ले जाएंगे जी। जी जी, अच्छी गायें रीजनेबल प्राइस में दिखाई है। बिल्कुल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। राम राम जी भाई साहब। राम राम। जय गो माता। जय गोपाल जी। जय बाबा रामदेव। रामदेव।